दुनिया को यह तासुर दिया जाता है कि इस्लाम के दामन में शायद औरतों का तहफ्फुज़ और हुकूक का कोई हिस्सा कोई नहीं, और नई नस्ल के दिलों के अंदर इस्लाम के मामले में बगावत उभारी जाती है। फिक्री अगवा की एक बहुत बड़ी साजिश है कि मुसलमान ख्वातीन में यह तासर पैदा कर दो कि इस्लाम के दामन में तुम्हारा तहफ्फुज़ कोई नहीं। सड़कों पर, रोड़ों पर, दीवानों पर, टीवी के स्क्रीनों पर वो अपने मर्दों पे ऐसी बरस रही होती हैं कि तस्वूर भी नहीं होता कि ये भी मुसलमान की ख्वातीन है, लेकिन उन्हें भूल इसलिए हुई कि उन्हें इस्लामी तालीमात से बेखबर रखा गया कि जो तहफ्फुज और जो मर्तबा और जो इज्जत और जो एजाज इस कायनात में इस्लाम ने औरत को दिया है किसी तहजीब के हिस्से में कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत प्यारा इरशाद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, खियारुकुम 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 लिनिसाइकुम व अना खियारुकुम लिनिसाई औ कमा कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के हक में सबसे बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद देखिए और दुनिया की मौजूदा तहजीबों का हाल देखिए, फिर फरमाया मैं तुम में अपनी बीवियों के हक में सबसे बेहतर हूं। दुनिया के जिन तहजीबों में औरतों के हकूक के डंडोरे पीटे जा रहे हैं, मां औरत की हैसियत टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं है। वहां अगर औरत बीवी की शक्ल में है तो उसका क्या हाल है, और मां की शक्ल में जिसे कहेंगे उनके लिए अलग घर बना दिए गए, बाप के बेटे के पास अपने मां के लिए वक्त कोई नहीं। बेटी है तो वो अपने बाप की शफकत से महरूम है, माँ है तो अपने बेटे की खिदमत से महरूम है, और बीवी है तो अपने शौहर की तवज्जो से महरूम।